ट्रेड यूनियनों और अलग अलग फेडरेशनों के आह्वान पर बुलाए गए भारत बंद का हिमाचल में मिला जुला असर रहा। निजी बस ऑपरेटर्स हड़ताल में शामिल नहीं हुए। कुछ क्षेत्रों में निजी बसों के पहिए हड़ताल से नहीं बल्कि बर्फबारी और बारिश के कारण थमे रहे। बर्फ प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगहों में भारी वाहन सड़कों पर दौड़े। पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी टैक्सियां भी मैदानी इलाकों में चलती रही, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों में हड़ताल का बड़ा असर देखने को मिला। इसमें ट्रेड यूनियनों का दबदबा है। हालांकि जहां बर्फ गिरती है वहां के स्कूल आजकल वैसे ही बंद है। इसके अलावा गर्मियों की छुट्टियों वाले स्कूलों में मिड डे मील योजना प्रभावित नहीं हुई है। दोपहर का भोजन पकाया गया, इसके बाद मिड डे मील कार्यकर्ता हड़ताल में शामिल हुए। ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किए। राजधानी शिमला में ये प्रदर्शन बर्फबारी के बीच हुआ। कुछ जिले जहां ट्रेड यूनियनों का प्रभाव नहीं है वहां प्रदर्शन भी नहीं हुआ। C2, इंटक, एटक सहित देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और BSNL, LIC, बैंक, रोड ट्रांसपोर्ट, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, बिजली मजदूर और दर्जनों फेडरेशनों के संयुक्त मंच ने हड़ताल का आह्वान किया था और कई संगठन शामिल हुए। साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गयी। न्यूज डेस्क।